हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टाइटल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। आइए जानते हैं मॉडल्स हैं क्या। मॉडल्स आर एक्सिलरी वर्ब्स, दे हेल्प द मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग द मोड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। दोस्तों, मॉडल्स वो होते हैं जो मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में स्पीकर की मदद करते हैं। मॉडल्स को हम एक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रिया भी कहते हैं। दोस्तों, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं। आइए अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल्स को बनाया ही क्यों गया। एबिलिटी यानी योग्यता, परमिशन अनुमति, एडवाइस सलाह, ऑबिलाइजेशन दायित्व, पॉसिबिलिटी संभावना। दोस्तों, इन पांच चीज़ों को दिखाने के लिए मॉडल्स को बनाया गया है। तो अब हम जानेंगे इनके बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एबिलिटी। सो एबिलिटी के अंदर हमारे कैन और कुड ये मॉडल्स आते हैं। दोस्तों, एबिलिटी यानी योग्यता जानने के लिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, वो उसकी योग्यता है कि, या वो मेरी योग्यता है कि मैं नाच सकता हूँ। और दूसरा एग्जांपल देखिए, कुड ज़्यादातर पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, आई कुड क्लाइंब अ ट्री व्हेन आई वाज यंग, मैं पेड़ को हिला सकता था जब मैं यंग था, यानी जब मैं जवान था। कुड का यूज़ हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि मॉडल्स का यूज़ हमारा मेन वर्ब से पहले होता है। हमेशा मेन वर्ब से पहले हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, परमिशन मतलब होता है अनुमति। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कैन, मे, कुड, ये तीन मॉडल्स आते हैं इसमें। कैन आई हेल्प यू, मे आई कम इन, कुड आई हेल्प यू, इसमें हम परमिशन ले रहे हैं, इसलिए ये परमिशन में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एडवाइस। फ्रेंड्स, एडवाइस में हमारा शुड आता है। आप एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क डेली, बच्चों को रोज़ दूध पीना चाहिए, इसमें हम सलाह दे रहे हैं। अब आते हैं ऑब्लाइजेशन। ऑब्लाइजेशन मतलब दायित्व। नीड, मस्ट, आउट टू, इसमें ये तीन मॉडल्स आते हैं। एग्जांपल में देखिए, नीड आई हेल्प हिम नाउ, एवरीवन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वी आउट टू रिस्पेक्ट वुमेन, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमारा दायित्व है, ये होता है हमारा ऑब्लाइजेशन। अब पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इसमें चार मॉडल्स आते हैं। मे, माइट, कैन, कुड। एग्जांपल देखिए, इट मे रेन टूडे, ही माइट लीव फॉर होम, आई कैन डांस, आई कुड क्लाइंब अ ट्री व्हेन आई वाज यंग, इसमें संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। आप एग्जांपल में देखिए, विल यू प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दोगे खाने के लिए। अब आते हैं शैल। शैल का यूज़ कब होता है। शैल इज़ यूज टू शो एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर। शैल का यूज़ तब होता है जब कोई काम फ्यूचर में होने वाला हो। आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर वॉच ऑल वीडियोज़। थैंक यू।